Yes, how are you? Okay, students, today our subject English and unit 7, a poem, a kite. Learn and enjoy this poem. I often sit and wish that I could be a kite up in the sky and ride upon the breeze and go whichever way I chance to blow. देखो बेटा, इसमें एक बच्चा है जो बैठकर ये सोचता है कि काश मैं एक पतंग होता जो आसमान में होती और ब्रीज मतलब होता तेज हवाएं, ठंडी हवाएं, जो तेज हवाएं चलती हैं और हवा के साथ मैं बहता चला जाता, काइट इधर उधर उड़ती है ना आसमान में, बहता चला जाता और जिस डायरेक्शन में, जिस दिशा में हवा जाती, काश मैं उस दिशा में अपने आप को मोड़ सकता। ये ऐसा कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, लेट वी स्टार्ट न्यू वर्ड्स। मिस वर्ड मीनिंग ब्लो, ब्लो मीन्स होता है बेटा बहना, ब्रीज मतलब तेज हवाएं, चांस मतलब होता है मौका मिलना, मौका, काइट मतलब पतंग और सिट मतलब बैठना। इसके बाद देखिए नीचे दो सेंटेंसेस हैं। आई कैन फ्लाई अ काइट, फ्लाई मतलब होता है उड़ाना, मैं पतंग को उड़ा सकता हूँ। आई लव टू सिट अंडर अ ट्री, मुझे पेड़ के नीचे बैठना अच्छा लगता है। अब इसके आते हैं बेटा क्वेश्चन आंसर्स। व्हाट डज द चाइल्ड विश टू बी, बच्चा जो है क्या विश कर रहा है, बच्चा क्या विश करता है, वो क्या बनना चाह रहा है, अ काइट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, अ काइट। व्हाट डज द चाइल्ड विश टू डू विद द ब्रीज, वो तेज हवाओं के साथ क्या करना चाहता है। आपने ऊपर पढ़ा है ना अभी इसका आंसर, कि वो उसके साथ जो है ब्लो मतलब बहना चाहता है। ओके स्टूडेंट्स, अब नीचे है लेट्स टॉक। व्हाट वुड यू लाइक टू डू, अगर आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट वुड यू लाइक टू बी, आप क्या बनना चाहते हैं, तो आप इसका आंसर कर सकते हैं जो आपको बनना अच्छा लगता है। द सेकेंड इज इमेजिन यू आर अ बर्ड इन द स्काई, आप इमेजिन करो कि आप कोई पक्षी हो जो आसमान में हो। डिस्क्राइब व्हाट यू वी फील व्हेन यू सी अ काइट फ्लाइंग नियर यू, और आप उसको फील करो अगर आपके पास में कोई काइट आती है या कोई काइट देखते हैं उसको आपने फील करना है। सो स्टूडेंट्स, टुडे आवर चैप्टर अ काइट पोएम कम्प्लीट, जिसमें आपने न्यू वर्ड्स भी करने हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, टुडे चैप्टर काइट इज कम्प्लीट, रीड दिस पोएम एंड लर्न एंड डू न्यू वर्ड्स। ओके थैंक यू।